आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, हमारे को हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। सर क्या राहत दी है भैया? ये अभी एक जजमेंट आई है प्रिसीशन टूल्स इंडिया के केस में। सर क्या है केस, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर एक जगह से दूसरी जगह गुड्स की मूवमेंट होती है तो मूवमेंट के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं, जैसे कि इनवॉइस हो गया, जैसे कि ई वे बिल हो गया। तो बहुत बार होता क्या है, जब आप इनवॉइस और ई वे बिल रखते हैं तो उसमें ना कुछ गलती हो जाती है, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन मिस्टेक हो जाती है, उसमें क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है। तो होता क्या है, आपकी गाड़ी को रोक लिया जाता है, आपकी गाड़ी को रोकने के बाद एक MOV 01 इशू कर दिया जाता है, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे सारे इशू करके 200% की पेनल्टी लग जाती है। अब ये जब 200% की पेनल्टी लग जाती है तो यहाँ पर हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि भैया 200% की पेनल्टी क्यों लगा रहे हो आप, 200% समझ रहे हो आप, 200% बहुत ज़्यादा होता है, इतनी पेनल्टी ना लगाओ। और अगर आप ये पेनल्टी लगा रहे हो तो पहले ये चीज़ चेक कर लो, क्या असेसी की जो इंटेंशन थी वो टैक्स को इवेड करने की थी क्या, वो टैक्स की चोरी करने की थी क्या। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें असेसी की इंटेंशन टैक्स की चोरी करने की नहीं होती, तो वहाँ पर हाईकोर्ट कहता है कि भाई 2,000, 5,000, 10,000 की पेनल्टी लगा के छोड़ दो, आप क्या है 200% की पेनल्टी लगा रहे हो, ये सही नहीं है। तो ऐसे पहले भी जजमेंट आ चुकी है और ये एक रिसेंट में जजमेंट आई है जहां पर गाड़ी को रोक लिया था, और गाड़ी को रोकने के बाद सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर पास कर दिया गया था, ऑर्डर पास करके 200% की पेनल्टी लगा दी। व्यक्ति अपील में गया लेकिन अपील में भी रिलैक्स नहीं मिला, उसके बाद बंदा हाई कोर्ट जाता और वहाँ पर उसे रिलीफ मिलता है। मैटर क्या है, मैटर सिंपल ये है कि भाई यहाँ पर असेसी ने जो क्या था, ई वे बिल का पार्ट ए भर दिया था, लेकिन ई वे बिल का पार्ट बी भरना भूल गया था किसी भी टेक्निकल ग्लिचिज की वजह से। तो जब हाई कोर्ट ने इस केस को सुना तो पाया कि यहाँ पर असेसी की कोई भी इंटेंशन टैक्स की चोरी करने की नहीं थी। तो जब टैक्स की चोरी करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तो क्या पेनल्टी लगाना सेक्शन 129(3) में सही था या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। क्योंकि मेरे हिसाब से सेक्शन 129(3) वहीं पर लगना चाहिए जहां पर आपको, यहां पर ये कहता है कि भाई इवेड ऑफ पेमेंट है, मतलब कि इवेड ऑफ टैक्सेस है, कि मतलब कि गवर्नमेंट के टैक्स का नुकसान हो रहा है। अगर मैं आपको बता दूं ये प्रोसीजर होता कैसे है, पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप जा रहे होते हैं ई वे बिल लेके, माल लेके, बिल लेके, तो आपकी गाड़ी को सबसे पहले रोका जाएगा और रोकने के बाद एक MOV 01 इशू किया जाएगा। MOV 01 इशू करने का मतलब क्या है कि भैया हम एक स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं कि भाई मेरे पास यही पेपर है और यही पेपर मैंने सबमिट कर दिए, ठीक है, ये या जो भी व्यक्ति ओनर होता है ट्रांसपोर्ट का उससे लिखवा लिया जाता है, मतलब या जो ड्राइवर होता है उससे लिखवा लिया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे केस में ये कृष्ण मोहन कुमार से ये वाली स्टेटमेंट लिखवा ली गई कि भैया हमने तुम्हारी गाड़ी नंबर ये को रोका हुआ है और रोकने के बाद आपके पास ये पेपर मिले हैं, ठीक है ना। अब ये ड्राइवर को ज़्यादा पता नहीं होता, वो उससे ये चीज़ लिखवा के यहाँ पर MOV 01 इशू कर देते हैं कि भाई तुम्हारी गाड़ी में इतने का माल था, ये ई वे बिल नंबर था, ये सारी चीज़ें MOV 01 पहले इशू कर दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या कहानी होती है भैया, इसके बाद इशू होता है MOV 02। MOV 02 क्या है, ऑर्डर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, कि भैया हमने तो आपकी जो गाड़ी जा रही थी हम उस गाड़ी को रोक लिया है, हमने 2 बजे हमने उस गाड़ी को रोक लिया है और MOV 01 फॉर्म फाइल कर लिया है और अब हम इस गाड़ी की जाँच करेंगे। देखो गलती क्या है, गलती क्या थी कि यहाँ पर सिर्फ एड्रेस डिफरेंट आ रहा था, तो उस वजह से गाड़ी को रोक लिया, पहले MOV 01 इशू किया गया फिर MOV 02 इशू किया गया। और इसके बाद सर ये तो देखो रिलीज ऑर्डर पास कर दिया, MOV 05 आपको इशू कर दिया, मतलब आपके तो बल्ले बल्ले हो गए। नहीं भैया बल्ले बल्ले कुछ नहीं हुई, 17 तारीख को गाड़ी पकड़ी और 17 तारीख को ही छोड़ दी, लेकिन 200% की पेनल्टी पे करवाई है पहले। अगर आप इस केस को ध्यान से देखोगे यहाँ पर DRC 01 इशू किया गया 17 सितंबर को और
सेक्शन 129(3) में, सेक्शन 129(3) में 200% की पेनल्टी लगाई गई, 200% की पेनल्टी लगाई गई जितना भी टैक्स अमाउंट था। उसके बाद यहाँ पर गाड़ी को छोड़ा गया। तो ये क्या करते हैं, पहले MOV 01 इशू करेंगे, फिर 2 इशू करेंगे, फिर इसके बाद इस तरीके से ये कई सारे फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर पहले आपकी गाड़ी को डिटेन कर लिया जाएगा, डिटेन करके MOV 06 आपको इशू किया जाएगा। और उसके बाद क्या कहा जाएगा, अगर आप इस गाड़ी को छुड़ाना चाहते हो, आप रिलीज़ कराना चाहते हो, तो 200% की पेनल्टी दो। अब व्यक्ति का माल होता है बहुत महंगा, तो वो क्या करता है, 200% की पेनल्टी दे देता है। और सर 200% की पेनल्टी देने के बाद असैसी क्या करता है, भैया असैसी क्या करता है, 200% की पेनल्टी जमा करने के बाद अपील में जाता है। तो सर क्या अपील में असैसी को रिलैक्स मिल जाता है? हाँ जी, कई बार ऐसा होता है असैसी को रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट अपील में रिलैक्स ना मिले तो भैया वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है, नहीं तो हाई कोर्ट जा सकता है। और जब हाई कोर्ट पर ऐसे केस जाते हैं तो हाई कोर्ट में ये सारे डिसीजन आपके फेवर में आने के चांस रहते हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों को क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी रोक ले, इस तरीके से चीज़ें करे, तो भैया प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि ऐसे केसेस में 200% की पेनल्टी अगर आप जमा कर रहे हो, तो अगर आप इन केस को लड़ते हो, हाई लेवल तक लड़ते हो, तो आपके जीतने के चांस है। और मेरी गवर्नमेंट ऑफिसर से क्या रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी व्यक्ति की ऐसे गाड़ी रोकते हो, तो भैया अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है, तो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है छोटी मोटी मिस्टेक है तो 2-4-5 हज़ार की पेनल्टी लगा के छोड़ दो, उस पर इतनी हैवी 200% की पेनल्टी ना लगाओ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और हाँ जी, हमारा इस मंडे से RCM पर कंप्लीट कोर्स इशू हो रहा है, तो अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। 29 अप्रैल से 3 मई तक ये कोर्स चलेगा, शाम को 7 से 9 बजे तक। सर कितने रुपए का ये कोर्स है? भैया ये 999 का कोर्स है, ठीक है ना। इसमें आपको 5 क्लासेस लाइव मिलेगी 10 घंटे की, और फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हो। सर क्या क्या कराओगे इस कोर्स में? RCM की पूरी जानकारी इसके अंदर देंगे आप, ठीक है ना। तो 10 घंटे का कोर्स है, फटाफट ज्वाइन कर लेना। सर कैसे ज्वाइन करना है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर RCM लिखोगे तो आपको ये कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है जी। और आपको अगर पूरा डिटेल में GST को समझना है तो आप हमारा अर्जुन कोर्स ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।